सुपर एलिवेशन और कैन क्या है, सुपर एलिवेशन के बारे में तो स्टार्ट करते हैं। सुपर एलिवेशन की क्या होता है, व्हेन ए ट्रेन मूविंग मूव्स अराउंड ए कर्व इट इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ईच व्हीकल। क्या होता है कि ट्रेन जब अराउंड कर्व के अराउंड मूव करती है तो कौन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग एक्ट होती है उसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ईच ऑफ व्हीकल हर व्हीकल में रेडली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व। कहाँ पे सेंटर ऑफ द रेडली अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्व, ठीक है। दिस इंक्रीजेज द वेट ऑफ आउटर रेल, मतलब क्या ये क्या काम करती है, दिस इंक्रीजेज द वेट ऑन द आउटर रेल के ऊपर, वेट को इंक्रीज करती है। उसके बाद टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस दिस लेवल ऑफ आउटर इज राइज अबव द इनर रेल। इस काउंटर एक्ट इफेक्ट की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से, काउंटर रैक्ट इफेक्ट वो सेंट्रीफ्यूगल की वजह से क्या होता है, जो हमारा आउटर रेल का रेल जो आउटर रेल होती है वो राइज हो जाती है अबव द इनर रेल से बाई ए सर्टेन अमाउंट टू द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ सेंट्रीप्यूटल फोर्सेस, मीन्स की इसकी वजह से सर्टेन अमाउंट इंट्रोड्यूसिंग ऑफ सेंट्रीप्यूटल सेंट्रीप्यूटल फोर्स की वजह से हमारा जो आउटर रेल है वो राइज हो जाता है अबव द इनर रेल, ठीक है। दिस राइज एलिवेशन ऑफ आउटर रेल, दिस राइज एलिवेशन ऑफ आउटर रेल मतलब आउटर रेल का राइज होना the above the inner से at the horizontal curve is called as can, तो उसको हम क्या बोलते हैं can। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आगे डायग्राम में दिखाएंगे और इसमें भी दिखा रखिए कि ये हमारे ये दोनों व्हील्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो हमारा सुपर एलिवेशन, आगे क्लियर होगा, ठीक है। डायग्राम क्लियर नहीं है नेक्स्ट पेज पे क्लियर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं can, मीन्स कि जब हमारी कर्व के लोग हमारी ट्रेन जो हमारी मूव करती है उसमें क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर हमारी एक्ट होता है, तो वो क्या काम करता है, जो इस इफेक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इफेक्ट की वजह से हमारा जो आउटर रेल है वो राइज हो जाता है अबव द इनर रेल से, ठीक है। इस आउटर रेल का क्या है, राइज होना अबव द इनर रेल का हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर, वो हमारा क्या कहलाता है, कांट ऑफ सुपर एलिवेशन। मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं द सब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन इज टू बी मेक फोर्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। क्या होता है, द सब्जेक्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं सुपर एलिवेशन पे इज टू बी मेक द फोर्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। इस चीज़ से मेक ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन की वजह से इक्वल होता है एट द बोथ ऑफ रेल और एंड द परपेंडिकुलर होता है जो ट्रैक के एंड दिस इक्वलाइज द वेट ऑफ अदर रेल, ठीक है। इसको जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, सुपर एलिवेशन को किससे डिनोट करते हैं, ई से, स्मॉल ई जो हमारी होती है ई अल्फाबेट होती है उससे हम इसको डिनोट करते हैं। आगे पढ़ते हैं सुपर एलिवेशन और कांड में, इट इज ए डिफरेंस एलिवेशन बिटवीन द आउटर एंड इनर रेल, ठीक है। क्या ये डिफरेंस एलिवेशन है आउटर और इनर रेल एट द हॉरिजॉन्टल कर्व इज कॉल्ड एज कैन। उसके बाद इनर रेल इज टेकन एज ए रेफरेंस रेल, ठीक है, उसको रेफरेंस ले लेते हैं, इज मेंटेन इट्स ओरिजिनल लेवल, वो क्या काम करती है, उसके ओरिजिनल जो लेवल होता है उसको मेंटेन रखने का काम करती है। इनर रेल इज नोन एज ग्रेडियंट रेल, जो इनर वाली रेल होती है हम उसको ग्रेडियंट रेल भी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको दिखा रखा है कि ये एक रेल है और एक ये दोनों के जो बीच का जो हमारा गैप है वो कहलाता है सुपर एलिवेशन, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड में है ऐसे फोर्स जा रही है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, जो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स रखते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ठीक है। ये डाउनवर्ड इस पॉइंट को वेट को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट अब है कि सुपर एलिवेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सुपर एलिवेशन, फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फर्स्ट क्या है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद है सेकंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हील रोड, जो व्हील रोड होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट प्रोवाइडिंग स्मूथ ट्रैक इंप्रूविंग पैसेंजर कम्फर्ट, स्मूथ ट्रैक प्रोवाइड करता है जो क्या करता है इंप्रूविंग करता है पैसेंजर को कम्फर्टली, ठीक है, कम्फर्ट प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट
Next is to reduce the wear and tear of the rail and rope rolling stock. मतलब घर्षण से जो वीरिंग होती है होती है रेल से उसको रिड्यूस करता है एंड दी स्ट्रोक जो रोलिंग होता है स्ट्रोक रिड्यूस करता है. इसके बाद है कि नेसेसिटीज क्या है प्रोवाइडिंग ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन दी कर्व के ऊपर क्या है नेसेसिटीज. फर्स्ट नेसेसिटी है टू काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. काउंटर एक्ट दी फर्स्ट टू काउंटर एक्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को. सेकेंड है फॉर द फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रेन ऑन कर्व्स के ऊपर फास्टली मूव कर सके कर्व के ऊपर. ठीक है और यहाँ पे दिखा रखा है कि जैसे कि ये हमारा ट्रैक बना होता है ये वाला जो इनर कहलाता है जो आउटर ये वो आउटर सेक्शन कहलाता है. ठीक है इसके ऊपर ये फोर्स एक्ट करती है ये ट्रैक का जो ये वाला जो डॉटेड वाला सेक्शन है वो हमारे ट्रैक का सेंटर लाइन कहलाती है. सेम ऐसे ही ये हमारी रेल उसका सेक्शन दिखा रखा है एलिवेशन सुपर एलिवेशन को इस फॉर्म के में दिखा रखा है कि हाइट जो राइज हुआ है आउटर सेक्शन से सुपर एलिवेशन को एच के फॉर्म में यहाँ पर शो कर रखा है. उसके बाद है थर्ड पॉइंट है रिड्यूस द वियर एंड द क्रिप ऑफ रेल. रिड्यूस करने के लिए वियर और क्रिप ऑफ रेल को. उसके बाद नेक्स्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वही लोड ऑन टू रेल्स के ऊपर लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. उसके बाद है नेक्स्ट टू प्रोवाइड एन इवन एंड स्मूथ रनिंग ट्रैक टू शो. क्या प्रोवाइड करने के लिए स्मूथ और इवन और इवनली और स्मूथली हमारे ट्रैक को एंड कम्फर्टेबली राइड टू द पैसेंजर के लिए कम्फर्टेबली चलने के लिए एंड द सेफ मूवमेंट ऑफ गुड्स और जो गुड्स हमारे होते हैं उसका सेफली मूवमेंट हो उसके चीज़ के लिए. ठीक है दोनों ट्रैक की जो हाइट यहाँ आपको बताई थी एच एच क्या कह लगता है यहाँ शो करता है उसका सुपर एलिवेशन चीज़. ठीक है दोनों के रेल के बीच का गैप हमें बताइए कि वो केस कहलाता है. नेक्स्ट है आगे उसका प्रॉब्लम. ठीक है सुपर एलिवेशन के ऊपर सुपर एलिवेशन की प्रॉब्लम फर्स्ट इसके अंदर दे रखा है इफ ए 8 डिग्री कर्व ट्रैक डाइवर्जेस फ्रॉम ए मेन कर्व ऑफ 5 डिग्री. इफ 8 डिग्री कर्व ट्रैक डाइवर्जेस फ्रॉम मेन ट्रैक से 5 डिग्री इन एन अपोजिट डायरेक्शन इन ले आउट ऑफ ब्रॉड गेज एंड यार्ड. कैलकुलेट करना हमें सुपर एलिवेशन एंड द स्पीड ऑफ ब्रांच लाइन. ठीक है ब्रांच लाइन को कैलकुलेट इफ द मैक्सिमम स्पीड परमिटेड ऑन द मेन इज 45 किलोमीटर पर आवर. ठीक है सो स्पीड हमें दे रखी है डिग्री ऑफ डाइवर्जन वाला और मेन कर्व की डिग्री में दे रखी है और यहाँ बता रखा है कि कौन सा है ब्रॉड गेज में सुपर एलिवेशन एंड द स्पीड ऑफ द मेन ब्रांच हमें कैलकुलेट करनी है. तो फर्स्ट है इक्विलिब्रियम हमें कितनी है कांड में जो दे रखी है 45 डिग्री स्पीड मतलब इक्वेशन की. ठीक है यहाँ हमें ये चीज़ है कि इसकी स्पीड हमें बता रखी है बाय हमें लास्ट इक्वेशन के अंदर ई ये फॉर्मूला जो है कैप ई ई इक्वल टू कैपिटल जी इंटू वी इंटू 1.27 आर. लास्ट जो हम लेक्चर लगाया था उसमें बताया था स्पीड ऑफ इक्वेशन में कि ई इक्वल टू होता है कैपिटल जी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1.27 आर के. जी ग्रेविटी है मीन्स की गेज है ये हमारा गेज यहाँ बता रखा है ब्रॉड गेज इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए ब्रॉड गेज की केस में. वेलोसिटी हमें इसकी मीन्स की स्पीड जो है हमारी वो हमें बता रखी है 45 रेडियस. रेडियस वाले में भी ये हमने उस वाले केस के अंदर हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ कर्व के अंदर किसके इक्वल होता है ये 1720 डिवाइड बाय आर होता है. तो यहाँ से हम आर की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है डी हमें यहाँ दे रखा है कितनी है कर्व की डिग्री. ठीक है उसको यहाँ पुट कर दिया तो आर इक्वल टू 1720 5. ठीक है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो डी है इक्वल टू है 1720 डिवाइड बाय आर. इस आर को हमने कैलकुलेट किया था डिग्री हमें दे रखी है यहाँ से आर हमें कैलकुलेट कर लिया. ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमें पुट करना है कैपिटल जी इंटू वी भी हमें पता है मीन्स की स्पीड उसका स्क्वायर डिवाइड बाय वैल्यू 1.27 इंटू आर हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ से सुपर एलिवेशन आ जाएगा. और द ब्रॉड गेज एंड द कांट ऑफ द मेन लाइन इज कितनी आ गई 1.76 पर मीटर. सो द कांट एंड द मेन ट्रैक जो 7.78 हमारा जो सुपर एलिवेशन आया था उसके अंदर से कांट की डेफिशिएंसी को हम माइनस कर देंगे यहाँ से उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8 सेंटीमीटर. उसके बाद देयरफॉर कांट इज प्रोवाइड इन द ब्रांच ट्रैक के अंदर प्रोवाइड करते हैं तो अगर मेन में प्रोवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू है इतनी हम परमिट करते हैं इतनी हम लेते हैं. सो कितनी है ये इसकी वैल्यू मीन्स की माइनस के कांट बी प्रोवाइडेड फॉर दी ब्रांच ट्रैक के लिए हमारी आ गई माइनस की 0.18 सेंटीमीटर.
अवॉइड करेंगे नेगेटिव कैन। ठीक है, उसके बाद फिर पॉइंट क्या है, विद ए कैन डेफिनेसी ऑफ ए 7.6 cm परमिटेड फॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी कैन, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है कि हाँ कितनी होनी चाहिए, देयर विल बी फॉर ए कैन के लिए 7.42 cm होनी चाहिए, हैंस द परमिसिबल स्पीड ऑफ द ब्रांच लाइन कैन बी वर्क फ्रॉम द, ठीक है। नेक्स्ट आगे फॉर्मूला है वही हमें पुट कर रखा है, ई सुपर एलिवेशन हमने निकाल लिया 4 point, मीन्स किसने बताया है कि यहाँ पे कि हमें कांट की उसकी वैल्यू कितनी लेनी है 7.42 के ऊपर, तो उसकी हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे उसकी, ये ब्रॉड गेज जी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1.7 × r, ये वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया है और इसको वी स्क्वायर वी की स्क्वायर की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, कि मीन्स हमारी स्पीड वैल्यू आ जाएगी कितनी है किलोमीटर पर आवर के अंदर, ठीक है, जो क्या होगी थियोरेटिकली स्पीड ऑन दी ब्रांच, बिकॉज द मैक्सिमम स्पीड ऑन ब्रांच लाइन शुड नॉट बी मोर देन 24 km/h से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थियोरेटिकली। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कांट क्या होती है, कैंट क्या होती है, इस चीज़ के बारे में, ठीक है। वो होती है दी कैंट एंड द सुपर एलिवेशन एज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ, वही इक्वेशन है अभी हम पीछे की थी न्यूमेरिकल में सॉल्व किए थे, पीछे और लास्ट लेक्चर में पढ़ सकते हैं, जी वी स्क्वेयर डिवाइड बाई 1.27 r, ठीक है, सेंटीमीटर के अंदर। द लोड कैरीज बाय दी बोथ दी व्हील विल बी दी सेम, जो दोनों हमारी जो व्हील्स होते हैं वो सेम लोड लेते हैं, ठीक है। दी स्प्रिंग विल बी इक्वली कंप्रेस, जो स्प्रिंग होता है वो इक्वली कंप्रेस होता है, एंड द पैसेंजर विल बी नॉट टेंस टू लर्न द आइदर डायरेक्शन, और क्या होता है पैसेंजर विल नॉट बी टेंस टू दी लर्न लेन दी आइदर अदर डायरेक्शन के अंदर, पॉसिबिलिटीज लेन की डायरेक्शन के अंदर लेन होने की डायरेक्शन नहीं रहती, एंड द कैंट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कैंट, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कैंट। उसके बाद यहाँ नीचे सेम बता रखी है उसी की, कि वेन द लेटरल फोर्सेज एंड द व्हील लोड आर ऑलमोस्ट इक्वल है, लेटरल फोर्सेज और व्हील लोड आर ऑलमोस्ट इक्वल हैं, हमारे लेटरल फोर्स एंड व्हील लोड आर इक्वल हैं ऑलमोस्ट, द कैंट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। इट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन के ऊपर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सुपर एलिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन सच ए वे द फास्टर ट्रेन मे बी ट्रेवल सेफली, ताकि हमारी जो फास्टर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं फास्टर ट्रेन की हमारी इजिली सेफली ट्रेवल कर सके विदाउट डेंजर ऑफ ओवर टर्निंग या उसके अंदर कोई ओवर टर्निंग या डिसकम्फर्ट की बजाय, टू दी पैसेंजर एंड द स्लोअर ट्रेन मे बी सेफली विदाउट द फियर एंड डीरेलमेंट ऑफ ड्यू टू द एक्सेसिव सुपर एलिवेशन, ठीक है। हम जो ये हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी ट्रेन इजिली और सेफली मूव कर सके विदाउट एनी इसके अंदर कोई डिटेनमेंट हो या विदाउट एनी सेफली या डिसकम्फर्ट की हो जाए, ठीक। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे कि इसकी इक्वेशन क्या होती है फॉर द प्रोवाइडिंग बेसिक एवरेज स्पीड फॉर द ट्रेन्स के लिए। The majority of Indian railway provide a super elevation for equilibrium speed and the average speed under the condition level track. यह हमारे average की केस के अंदर provide कर रखा है n v1 plus n2 v2 plus n3 v3, ठीक है। Pair n1 n2 n3 क्या है, number of trains को represent कर रहे हैं, और v1 v2 v3 क्या है, उसकी speed of train किलोमीटर पर आवर को शो कर रहे हैं। ये average of speed या वेट ऑफ एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है एन वन प्लस एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू प्लस एन थ्री वी थ्री डिवाइड बाई एन वन प्लस एन, मीन्स की हमें एवरेज स्पीड निकालनी है उस फॉर्मूले से, ठीक है। एन वन एन टू एन थ्री शो कर रहे हैं नंबर ऑफ ट्रेन्स को, और जो वी है वी की नोटिफिकेशन वी वन वी टू वी थ्री आर द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर के अंदर, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, यहाँ फॉर्मूला लगा रखा है कि इसमें कंडीशन बता रखी है, अगर एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है ब्रॉड गेज और मीटर गेज ट्रैक की, तो उसके केस में फर्स्ट क्या है हमें, व्हेन द मैक्सिमम सेक्शन आइड स्पीड, जो वी है मैक्सिमम क्या होगी 50 km/h इतनी है, द एवरेज स्पीड एट लीस्ट वी बिलो टू केसेस के अंदर की, मीन्स की एवरेज स्पीड क्या होगी 0.75 × v मैक्सिमम, वी यहाँ स्पीड शो कर रही है, द सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 50 km/h, द सेफ स्पीड ऑफ द कर्व इज गिविंग बाय द मेरिटिन फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर वी हमारी क्या होगी
वी हमारी लेस देन और इक्वल टू होगी 50 किलोमीटर पर आवर, देन वी विल बी लिस्ट क्या होगी, अगर स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा वी मैक्स के इक्वल, मैक्सिमम की इक्वल से स्पीड होगी, वही सेम फॉर्मूले से जो है वेटेज एवरेज हम इक्वल स्पीड निकालने हैं, तो वही सेम फॉर्मूला है कि एवरेज ऑफ एन इंटू वी डिवाइड बाई कैपिटल एन से, ठीक है वही कि एन वन वी वन एन टू वी टू प्लस एन थ्री एन थ्री जितने भी हमारे पास होंगे नंबर ऑफ ट्रेन से नंबर ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन उनका एवरेज हम यहाँ से वेटेज एवरेज निकाल लेंगे इक्वल ट्रेन की, ठीक है। नेक्स्ट सेम उसका ही आगे न्यूमेरिकल करते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ फॉर विच एलिवेशन इज मेंटेन इफ द स्पीड ऑफ सर्वल ट्रेन रनिंग ऑन दी मेन ट्रैक आर फॉलोइंग, मीन्स की ट्रेन की हमें दे रखा है फर्स्ट है 15 ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड है पॉइंट है 10 ट्रेन स्पीड है 60 की आवर से निकल रही हैं, और 5 ट्रेन है स्पीड ऑफ 60-70 किलोमीटर पर आवर, और 2 ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम निकालेंगे वेटेज, मीन्स की सर्वे का एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था एन वन वी वन प्लस एन टू वी थ्री वी टू प्लस एन थ्री वी थ्री जितने भी हैं एन प्लस एन फोर वी फोर डिवाइड बाई एन वन एन टू एन टू एन थ्री एन फोर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें सबकी स्पीड और ट्रेन से हमें बता रखी है फुट करना है, और यहाँ से हमारे पास वेटेज एवरेज आ जाएगी ट्रेन की, ठीक है। डाइवर्जन फॉर्मूला है मैक्सिमम स्पीड फॉर्मूला, ये हमें दे रखा है 80, मैक्सिमम कितनी है 80 की, माइनस करना है हमारी जो एवरेज आई है वहाँ से एक्चुअल की हमारी आ जाएगी कि एवरेज और स्पीड कितनी है, ठीक है। द नोड गेज में एवरेज स्पीड होती है 65 किलोमीटर, यहाँ से हमारी ये डाइवर्जिंग मैक्सिमम स्पीड निकल गई। उसके बाद नेक्स्ट है उसी के ऊपर इक्विवेलेंट कैंट के ऊपर न्यूमेरिकल, व्हेन इज इक्विवेलेंट कैंट ऑन ए 2 डिग्री कर्व ऑन ए ब्रॉड गेज इफ़ दी 15 ट्रेन 10 ट्रेन एंड 5 ट्रेन एंड 2 ट्रेन आर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 60 और 70 एंड 80 रिस्पेक्टली है। तो हमें पहले रेडियस 42 डिग्री कर्व के लिए निकालना, फॉर्मूला वही है 170 डिवाइड बाई डी, डिग्री डिवाइड बाई आर हमें दे रखी है यहाँ पे 2 डिग्री कर्व, यहाँ इसकी वैल्यू फॉर्मूला फुट किया और यहाँ से इसकी निकलगी वैल्यू। इसके बाद है वेटेज, वही सेम जो भी निकाला था उसी से सबकी स्पीड और हमें ट्रेन दिखा रखी है वहाँ से एवरेज हम निकल जाएंगे। उसके बाद हमें सुपर एलिवेशन इक्विवेलेंट इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लगवाना है, स्मॉल ई इक्वल टू जी वी स्क्वायर डिवाइडेड 1.27 आर, सबकी वैल्यू हमारे पास है हमें पुट करना है सिर्फ वैल्यूज को, और यहाँ से हमारी इक्विवेलेंट कैंट की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। नेक्स्ट है कैंट की डेफिशिएंसी, कैंट डेफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। कैंट डेफिशिएंसी है द इक्विवेलेंट कैंट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ इक्विवेलेंट स्पीड के ऊपर और ये एवरेज स्पीड पे ऑफ द डिफरेंट ट्रेन, ठीक है। द इक्विवेलेंट कैंट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ इक्विवेलेंट स्पीड के ऊपर, ठीक है, एंड द सुप, ठीक है। उसके बाद है ऑफ द डिफरेंट ट्रेन, बट द इक्विवेलेंट कैंट और द सुपर एलिवेशन फॉल शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर द हाई स्पीड ऑफ ट्रेन के लिए, किसके लिए है, जो इक्विवेलेंट कैंट और जो सुपर एलिवेशन है फॉल शॉर्ट ऑफ द ऑफ दैट रिक्वायर्ड फॉर द हाई स्पीड ऑफ ट्रेन। दिस शॉर्टेज जो कैंट हमारी है, शॉर्टेज ऑफ द कैंट इज कॉल्ड एज कैंट की डेफिशिएंसी। अदर्स वर्ड्स में क्या कहते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इक्विवेलेंट कैंट नेसेसरी फॉर द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन ए कर्व, मीन्स की डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट कैंट एंड फॉर द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस स्पीड ऑन द कर्व के ऊपर एंड द एक्चुअल कैंट प्रोवाइडेड, और जहाँ पे हमारी एक्चुअल कैंट प्रोवाइड की जाती है। हायर कैंट डेफिशिएंसी कॉज मोर अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हायर कैंट डेफिशिएंसी कॉज क्या करेगी, मोर अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड डिसकम्फर्ट टू द पैसेंजर के लिए। जितनी ज़्यादा हमारी कैंट डेफिशिएंसी प्रोवाइड की होगी उतने ही अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल प्रोड्यूस करेगी, जिस जो हमारे पैसेंजर के लिए डिसकम्फर्ट होगी, ठीक है। इसके बाद है नेगेटिव सुपर एलिवेशन, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बता रखी है कैंट डेफिशिएंसी के लिए, ठीक है। इंडियन रेलवे ब्रॉड गेज के लिए